नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज से इंडिया एनर्जी वीक शुरू हो रहा है और इसका मकसद एनर्जी ट्रांजिशन के केंद्र में ही रूप से भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करना है और इसमें दुनिया भर के 30 से ज्यादा मिनिस्टर और 3000 से ज्यादा डेलीगेट और इसके साथ ही 1000 से ज्यादा एग्जीबिट्स और करीब 500 स्पीकर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही वो दुनिया भर की तेल और कंपनियों की सीईओज के साथ ही एक राउंड टेबल इंटरेक्शन में भी शिरकत करेंगे। बता दें आपको कि साथ ही एक ग्रीन एनर्जी के फील्ड में कई इनिशिएटिव को लेकर भी लॉन्च करेंगे और इसमें सबसे अहम है 20% एथनॉल युक्त पेट्रोल। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च करने जा रहे हैं E20 और इसको लेकर इसके साथ ही 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 पेट्रोल पंप पर E20 ईंधन की बिक्री शुरू हो जाएगी और सरकार ने इसे 2030 में लॉन्च करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 7 साल पहले ही इसकी शुरुआत की जा रही है और इससे देश की विदेश मुद्रा की भारी बचत होगी और पिछले वित्त वर्ष में भारत का तेल आयात का बिल करीब $119 अरब था। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है और इसके आयात में देश का बहुत पैसा चला जाता है और इस बोझ को कम करने के लिए सरकार नए नए तरीके खोज रही है और देश में एक्सवे बनाए जाएंगे। इसको ये भी कहा जा रहा है कि एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं और जिनमें समय बचेगा और ईंधन की खपत कम होगी और साथ ही पर्यावरण की भी रक्षा होगी। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने पेट्रोल में एथनॉल मिक्स करने के लिए भी महत्वाकांक्षी योजना बनाई है और पेट्रोल में 10% एथनॉल मिक्सिंग का लक्ष्य 5 महीने पहले ही हासिल कर दिया गया था और 20% इसको लेकर बताया जा रहा है कि ब्लेंडिंग का ओरिजिनल टारगेट 2030 तक था, लेकिन इससे पहले ही 2025 किया गया और अब 2023 दिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नौजल प्रेस करके इसकी बिक्री शुरू करेंगे और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का जोर दे रही है और 2013 और 2014 से देश में ही एथेनॉल का उद्यापन 6 गुना बढ़ा है और इससे देश को न केवल 94,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में भी 318 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है और इससे किसानों की आय भी बढ़ी है। बताते चले आपको कि 2014 से 2022 तक किसानों को 49,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया गया है और सरकार ने 2025 तक देश में पूरी तरह से E20 ईंधन की बिक्री का लक्ष्य रखा है और इसे हासिल करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी 2G और 3G एथनॉलजी प्लांट्स स्थापित कर रही है। मोदी साथ ही ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी हरी झंडी दिखाएगी और इसके अलावा वो इंडियन ऑयल के ही इनिशिएटिव को भी लॉन्च करने जा रही है और आपको बता दें कि इसका मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से ख़त्म करना है और इस मौके पर ही प्रधानमंत्री देश में विकसित इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम को भी लॉन्च करेंगे। बता दें आपको कि इससे लोगों को कुकिंग के लिए ही लो कार्बन और सस्ता विकल्प मिलेगा और इसे इंडियन ऑयल की R&D विंग ने ही विकसित किया है। आपको बताते चलिए कि ये मॉडर्न इंडक्शन कुक टॉप है की तरह ही काम करता है और ये सोलर के साथ साथ ग्रिड पावर पर भी ऑपरेट करता है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तुर्की में सोमवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और रिक्वल स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 थी और बताया जा रहा है कि भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4:17 के करीब आया था और इसकी गहराई की अगर बात की जाए तो जमीन से 17.9 किलोमीटर अंदर थी और वहीं भूकंप के झटके तुर्की के गाजिया टैप के पास से महसूस किए गए हैं और भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह बताया जा रहा है, जैसे कि हमने पहले भी आपको जानकारी दी कि 4:17 पर आया था और इसकी गहराई की अगर बात की जाए तो 17.9 किलोमीटर की इसकी गहराई है और यहीं पर आपको बता दें कि यूएस
यूएस जियोलॉजिकल सर्विस का कहना है कि सोमवार को दक्षिणी तुर्की में गाजिया टैप के पास 7.8 तीव्रता का भूकंप आया और इससे तुर्की और सीरिया में बड़े नुकसान की खबर भी सामने आई है। बता दें आपको कि तुर्की के आंतरिक मंत्रालय का साफ तौर पर कहना है कि शक्तिशाली भूकंप के बाद हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर हाई अलर्ट होने की जानकारी सामने आई है। बताते चले कि तुर्की के आंतरिक मंत्रालय का साफ तौर पर यही कहना है कि शक्तिशाली भूकंप के बाद अब हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसके कई वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियो में भूकंप से हो रहे नुकसान को साफ देखा जा सकता है। कई इमारतें ढहने और कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है और यहां तक कि लोगों को चिल्लाते और भागते हुए भी देखा जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि इसको लेकर सोशल मीडिया पर जो अपडेट चल रही है इसकी पुष्टि अभी न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की तरफ से नहीं की जाती है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो साफ तौर पर बता रही है कि तुर्की में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें लोगों को भागते हुए और चिल्लाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो भूकंप के कारण ही भारी नुकसान का भी आकलन लगाया जा रहा है और इसके साथ ही पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। बिजनौर के थाना कोतवाली के चैताली होटल में दबंगों की मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। दरअसल होटल चैताली के ही मैनेजर को दबंगों ने जमकर पीटा है और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि खाने के रुपयों को लेकर मारपीट हुई थी। फिलहाल आपको बता दें कि अज्ञात दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। तो जानकारी आपको दे रहे थे बिजनौर से, जहां पर बताते चले कि लगातार पिटाई के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार होटलों में दबंगई का ये मामला सामने आता है। तो अलग अलग इलाकों से अलग अलग खबरें सामने आती हैं पिटाई का, और वहीं अब बिजनौर की भी खबर सामने आई है जहां पर बिजनौर के थाना कोतवाली के चैताली होटल में दबंगों की मारपीट का वीडियो जो है अब सीसीटीवी में कैद हो चुका है। बताते चले कि होटल चैताली के मैनेजर को दबंगों ने जमकर पीटा है। थाना कोतवाली के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित चैताली होटल पर रात लगभग 11:30 बजे के आसपास कुछ लोग कमरा लेने के लिए गए। होटल मैनेजर देवेंद्र कुमार के द्वारा कमरा खाली न होने का हवाला दिया गया। इस बात को लेकर इनमें तुतुमेमे हुई, आपस में मारपीट हुई। यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद है। होटल मैनेजर देवेंद्र कुमार की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जिस गाड़ी से लोग आए थे, क्रेटा गाड़ी से, वो ट्रेस हो गई है। उसके आधार पर अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र इनकी गिरफ्तारी। रूम लेने आए थे 10 से 15 के बीच में लोग थे वो, और शराब के नशे में थे सब लोग। बोतल भी उनके साथ थी, वो बरामद हो गई बोतल भी। सर स्टाफ यहीं था क्योंकि सोने की तैयारी थी, मतलब क्लोजिंग कर दी थी हम लोगों ने। बोला कि अब रूम चाहिए। मैंने रूम किस लिए? बोला शराब पियेंगे बैठ के। मैंने कि शराब पियोगे? शराब के लिए तो रूम रात में नहीं देने का मैं, और मैंने आप 10 से 15 लोग हों बिल्कुल नहीं देने का। आप 1-2 लोग होते तो मैं रूम जरूर देता, आईडी पहले चाहिए। मैंने कहा तू क्या तेरा बाप भी देगा? साले चमार हो, ये वो जाति सूचक शब्द यूज करे स्टाफ हो। मैंने जी चमार आप क्यों कह रहे हो जी, जाति सूचक शब्द यूज क्यों कर रहे हो? फिर उसके बाद तुरंत जब हमने उसका विरोध करा कि हाँ पापा हम जाति सूचक शब्द कैसे कह सकते हैं, तो उन्होंने तुरंत हम पर हमला कर दिया। हमारे स्टाफ को मारा, उनके पीछे दौड़ा दौड़ा के भगाया उनको, सब भाग गए। मैं अकेला यहाँ पर रह गया। उन्होंने 10 से लगभग 10 के आसपास थे, सब लोगों ने मुझे घेर के यहाँ पे मारपीट मेरे साथ करी। अच्छा, कौन लोग थे वो? वो लोग बिरादरी का तो नहीं पता जी, बट शहर के आसपास के थे। क्या रसूखदार थे शहर के वो लोग? कोई लोग कह रहे हैं कि क्रिमिनल कैटेगरी के हैं, जिस तरह से उन्होंने उनका हाव भाव थे। कि कल रात्रि 11:30 बजे शहर के कुछ रसूखदार लोगों ने आकर मेरे होटल में हमला किया। हमला इस कदर था कि मेरे मैनेजर को जान से मारने की नीयत के तहत उसे बिल्कुल कोशिश करी गई कि मार दिया जाए। सरकार अभी ग्लोबल समिट के तरफ बढ़ावा दे रही है। मानगढ़ में, बिजनौर में इतना अच्छा हमारे देश सरकार ने रखा है। सरकार चाहती है हम निवेश करें, लेकिन जब हम अपना एक ही अपना बिजनेस हम सुरक्षित नहीं कर पा रही सरकार, हम आगे प्रोत्साहित कैसे हों कि हम दूसरा कर सकेंगे। सरकार से मेरी एक ही विनती है, इस कल पूरे प्रकरण की पूरी निष्पक्ष जाँच की जाए। जो भी गुनहगार लोग हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। सरकार का सहयोग चाहते हैं। इस समय हम बहुत अपने आप को बहुत ही डरा हुआ महसूस कर रहे हैं,
और इस डरावने समय में मैं सरकार से विनती करता हूँ कि साथ आकर हमें सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करें, क्योंकि व्यापारियों के लिए इस कंडीशन में होटल चलाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो बिजनौर से आपको खबर बता रहे हैं, बिजनौर के थाना कोतवाली के चैताली होटल में दबंगों की मारपीट का वीडियो अब सीसीटीवी में कैद हो गया है। दरअसल होटल चैताली के मैनेजर को दबंगों ने जमकर पीटा है और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि खाने के रुपयों को लेकर ये मारपीट हुई थी। फिलहाल आपको बता दें कि अज्ञात दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है और इसके साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी पुलिस बात कर रही है। घायल पीड़ित महिला ने पुलिस पर तहरीर देने के बाद कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं पुलिस क्षेत्र अधिकारी बिसोली से शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बदायूं जिले के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 निवासी फातिमा पत्नी जाहिद ने बताया है कि 28 जनवरी को घात लगाए बैठे वकील अहमद और लईक अहमद पुत्रगण मोहम्मद रफीक और अकील अहमद पुत्र लईक सहित अन्य लोगों ने जमकर मारपीट की और जिसमें महिला के गंभीर चोटें आई हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जिसकी कार्रवाई हेतु पीड़ित ने फैजगंज बेहटा के ही थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिया था, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़िता घायल महिला ने ही एसएसपी बदायूं और पुलिस क्षेत्र अधिकारी बिसोली को लिखित शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की भी मांग की है। चार लोगों ने मुझे रात के समय घेर के मारा, लहिंग अहमद, वकील अहमद, अकील अहमद, सार बेगम, उन लोगों पे मेरा पैसा आ रहा था, घर कपड़े का काम होता, 2-2.5 लाख का उनका लड़का मार के लिया आया था, जिसके लिए मैंने हिसाब के लिए कहा था मेरा हिसाब करो, तो लड़ाई झगड़ा करा उन लोगों ने, तो हमने लड़ाई नहीं लड़ी, दूसरे के घर पर हम जाके बंद हो गए, जिसे हम लाठी डंडे लेके गई थी। उस रात को मैं अपनी जेठानी के घर पर गई थी, उन लोगों ने मुझे मारा बुरी तरीके से, मुंह बंद करके मेरा मुंह खोल गया, तो मोहल्ले के लोग भाग पड़े, जिससे मैं बच गई। तो थाने वालों ने उठा के 112 आसनपुर पहुँचा के आई, वहाँ से बधाइयों बधाइयों से कहते हैं 2-2.5 घंटे में होश आया मेरे लिए, अभी तक कोई थाने में सुनवाई नहीं हुई, थाने में सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई। और हम कहते हैं ना, कोई कहते थे मुकदमा लिख के हमारे पीछे मुकदमा, हमें पता दिखा के लिखो क्या लिखा है आप लोगों ने, और अभी तक किसी को भी ना पकड़ा है, तो मुकदमा नहीं लिखा है अभी, क्या पता लिखा है ना लिखा, बुला रहे हैं कि आ जाओ, हमने लिख दिया, आप देखेंगे क्या लिखा है उन लोगों ने। एक महिला को रात को मारना गलत बात ना होगी, और इतनी बड़ी बात को भी वो लोग अभी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, आप लोगों ने मुकदमा कर दिया हमारे खिलाफ, तो हम जान से मार देंगे आपके बच्चे और आपकी पत्नी को। तो बदायूं से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर घायल पीड़िता महिला ने पुलिस पर तहरीर देने के बाद कार्रवाई न करने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें आपको कि बदायूं जिले के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 निवासी फातिमा पत्नी जाहिद ने बताया है कि 28 जनवरी को घात लगाए बैठे वकील अहमद, लईक अहमद पुत्रगण मोहम्मद रफीक और अकील अहमद पुत्र लईक सहित अन्य लोगों ने जमकर मारपीट की है, जिसमें महिला के गंभीर चोटें आई हैं और जिसकी कार्रवाई हेतु पीड़ित ने ही फैजगंज बेहटा थाना पुलिस को शिकायती पत्र दिया था, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़िता घायल महिला ने ही एसएसपी बदायूं और पुलिस क्षेत्र अधिकारी बिसोली को लिखित पत्र भी दिया है, इसमें शिकायती पत्र दिया है और इसके साथ ही कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। छतरपुर के खजुराहो के टिकुरी गांव की पहाड़ी पर तेंदुआ देखा गया है। वन विभाग ने ड्रोन कैमरे से पड़ताल की है और पुष्टि, बता दें आपको कि इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। पिछले 3 दिनों से खजुराहो रेलवे स्टेशन के पास मौजूद टिकुरी गांव की पहाड़ियों पर तेंदुआ देखा गया है। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है और खजुराहो रेंजर एसबी सिंह बुंदेला ने बताया है कि ड्रोन कैमरे के द्वारा पूरी पहाड़ी की सर्चिंग की गई है, जिसके बाद वन विभाग ने आज तेंदुए के
होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि पहाड़ी पर तेंदुआ देख लिया गया है और जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों के पास वीडियो भेजकर रेस्क्यू के लिए भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन पिछले 3 दिनों से संपूर्ण गांव दहशत में नजर आ रहा है और गांव के कई लोग पहाड़ी के आसपास जान जोखिम में रखकर पहरा देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तारीख से हम लोग लगातार मतलब पब्लिक की सूचनाओं पर यहाँ आते हैं, सुबह भी, दोपहर, रात में भी। बल्कि तो वैसे देखने को नहीं मिला, कल भी हमने ड्रोन से मतलब इसका वो कराया था, सर्च कराई थी ड्रोन से, कल नहीं मिला था। आज पब्लिक की सूचना मिली है तो हम लोग फिर ड्रोन लेकर के आए मौके पर। तो ड्रोन से अभी वो देखा गया, स्पष्ट तेंदुआ है, उसका वीडियो भी हमने शूट कर लिया है। सर तादाद एक ही है सर, और कोई है? एक ही है। तो उसका रेस्क्यू कब तक चलेगा सर? अब ये तो वरिष्ठ को रिपोर्ट जाएगी, वहाँ से मतलब टीम आएगी। तो छतरपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर खजुराहो की टिकुरी गांव की पहाड़ी पर तेंदुआ देखा गया है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।